session 2, right? Before we started our lecture, what we have seen in the last session में हमने already unordered list के regarding पढ़ लिया है कि unordered list में suppose आपके पास list of item है, उसको आपको web page पे display करवाना हो, तो आप UL tag का use करके उसे display करवा सकते हैं, right? So आप UL link के आपका जो भी list of item है, उसको आप display करवा सकते हो, वो भी bullet का use करके, bullet और symbol का use करके आप list of item को display करवा सकते हो। राइट और उसके बाद हमने देखा ना चेंजिंग बुलेट, बुलेट को हमें चेंज करना हो, अगर पर्टिकुलर आइटम को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बुलेट से हमें डिस्प्ले करवाना हो तो वो भी हम उस वहां पे टाइप चेंज करके रख सकते हैं। राइट और उसके बाद हमने डिस्क्रिप्टिव लिस्ट देखा था डीएल टैग का यूज करके, राइट सो वो भी हमने लास्ट सेशन में देख लिया था। तो टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट दैट मींस कि हमें जो भी हमारा लिस्ट ऑफ आइटम है उसे हमें नंबरिंग करना हो, नंबर से डिस्प्ले करवाना हो, अल्फाबेटिक से डिस्प्ले करवाना हो, अल्फाबेटिक स्मॉल अल्फाबेटिक कैपिटल कैप्स अल्फाबेटिक से डिस्प्ले करवाना हो, उसके बाद हमें रोमन नंबर का यूज करना हो तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। सेमी प्रोग्राम में उसमें सिर्फ हमें टैग ही चेंज करना है, यूएल की जगह से हम यूएल के बदले हम ओएल का यूज करेंगे, राइट। सी टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट ऑर्डर लिस्ट। इट कंटेन आइटम अलोंग विद नंबर और अल्फाबेट इंस्टेड ऑफ बुलेट, राइट। नंबर और अल्फाबेट वो दोनों का यूज कर सकते हैं हम हमारी जो भी लिस्ट ऑफ आइटम है उस पे उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, राइट। फॉर क्रिएटिंग ऑर्डर लिस्ट यूज ओएल टैग एंड स्लैश ओएल टैग। ओएल टैग भी पैर टैग है, उसको कंपलसरी ओवर करना जरूरी है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्प्ले करवाया, राइट। फॉर लिस्टिंग आइटम यूज एल आई टैग एंड स्लैश एल आई। आपको बताया कि जो भी हमारी लिस्ट ऑफ आइटम है उसको हमें लिस्ट आउट करना हो तो हम एल आई टैग का यूज करके उसको लिस्ट आउट कर सकते हैं, राइट। सी द एग्जांपल ओवर हियर, मैंने सिंपल एग्जांपल रखा है, जो भी लास्ट प्रोग्राम में वही एग्जांपल है, चेंज सिर्फ क्या किया है, मैंने टाइप चेंज किए, जो यूएल यूज किया, यूएल मींस व्हाट कि अनऑर्डर लिस्ट और ओएल मींस व्हाट ऑर्डर लिस्ट, सिर्फ चेंज किया है मैंने टाइप उसे। सी सेम प्रोग्राम में एचटीएमएल बॉडी फॉन्ट कलर, जो भी हमारा फॉन्ट का जो कलर है वो ब्लू कलर में आएगा, उसके बाद मैंने हेडिंग डिस्प्ले करवाया है H1 के अंदर एंड ऑर्डर लिस्ट, तो जो भी हमारा हेडिंग है वो हेडिंग कौन से कलर में आएगा, ब्लू कलर के अंदर, राइट। उसके बाद फॉन्ट टैग ओवर, दैट मींस जो भी हमारा फॉन्ट का कलर है वो ऊपर का जो हेडिंग है वो अपर हेडिंग के अंदर वो कलर आ जाएगा। नेक्स्ट इज ओएल टैग, सी सिर्फ टैग चेंज किए मैंने ओएल, बाकी जो लिस्ट आउट है वो लिस्ट आउट मैंने रखा है यहाँ लिस्ट के अंदर एल आई टैग के अंदर, राइट। ओएल फॉन्ट साइज जो भी मैंने साइज दे दी है, मेरा जो भी लिस्ट ऑफ आइटम है उसकी साइज आ जाएगी 6, मैंने रखा हुआ है तो 6 साइज वो अपने हिसाब से ले लेंगे, राइट। उसके बाद ओएल टैग ओवर, सी ओएल टैग का मैंने ओवर किया है, फॉन्ट टैग को भी मैंने ओवर किया है और उसके बाद मेरा प्रोग्राम क्लोज। सिंपल प्रोग्राम में मैंने सिर्फ टाइप चेंज किए यूएल की, यूएल को चेंज करके मैंने ओएल टैग का यूज किया। यूएल लिखोगे तो बुलेट आएगा और ओएल लिखोगे तो वो नंबरिंग ऑर्डर लिस्ट में सेट हो जाएगा, राइट। सी सी द आउटपुट, हमारा जो भी हेडिंग है वो H1 के अंदर वो हेडिंग आ गया एंड ऑर्डर लिस्ट, और जो भी मैंने आइटम लिस्ट आउट किए वो 1, 2, 3 बाय डिफॉल्ट है, जैसे हमें यूएल टैग के अंदर यूज किया था कि बाय डिफॉल्ट आप उसको टाइप नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो सर्कल लेगा, राइट। राउंडेड बुलेट जो है वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। सो यहाँ पे भी आप टाइप डिस्प्ले नहीं करवा रहे हो, आप टाइप नहीं लिख, टाइप आपने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, वो बाय डिफॉल्ट लेगा 1, 2, 3। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट विद अल्फाबेट, राइट। जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में चेंजिंग बुलेट देखा था, वहां पे यहाँ पे है ऑर्डर लिस्ट विद अल्फाबेट, अल्फाबेट का भी यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। सी इंस्टेड ऑफ नंबर यू यू मे यूज अल्फाबेट लाइक ए कैपिटल ए स्मॉल ए ऑल्सो रोमन नंबर आई कैपिटल आई और स्मॉल, राइट। फॉर डिस्क्राइबिंग दिस टाइप ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट यूज टाइप एट्रीब्यूट विद ओएल टैग, राइट। जो भी हमें स्पेसिफिक अल्फाबेट का यूज करना हो, रोमन का यूज करना हो, तो आप वो एट्रीब्यूट को ओएल टैग के अंदर लिख सकते हो, ओएल टैग कर। अंडरस्टूड। आपको ऑलरेडी पता है हमने यूएल टैग के अंदर टाइप चेंज करके हमने देख लिया था, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज ऑर्डर लिस्ट ऑलवेज स्टार्टेड विद नंबर 1, राइट। ऑलवेज स्टार्टेड विद नंबर
नंबर वन, दैट मींस कि वो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 से वन से ही स्टार्ट होगा. इफ यू स्टार्ट नंबर विथ 5, यू स्टार्ट एट्रीब्यूट विथ ओएल टैग. अगर आपको 5 से डिस्प्ले करवाना हो तो आपको ऑर्डर लिस्ट के अंदर जाके स्पेसिफिक नंबर वहां पे लिखना पड़ेगा, राइट. अगर डिफॉल्ट कौन सा नंबर से स्टार्ट होगा है 1, तो वो आप नहीं लिखोगे तो 1 2 3 से स्टार्ट होगा. बट मान लीजिए इन केस आपको 5 6 7 से डिस्प्ले करवाना हो तो आपको ओएल टैग के अंदर जाके वहां पे जो नंबर से स्टार्ट करवाना हो, जो अल्फाबेटिक से स्टार्ट करवाना हो, वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा. अंडरस्टूड, राइट. सी यहां पे आप एक नंबर लिख कर सकते हो कैपिटल, सॉरी 1 लिखा है तो नंबर लिख कर सकते हो, कैपिटल में लिखा है तो अपर केस, मींस अपर केस में अल्फाबेटिक डिस्प्ले होगा, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल में लोअर केस में डिस्प्ले होगा. उसके बाद आई लिखा है वो अपर, रोमन मींस रोमन लिखा हुआ मैंने आई तो अपर केस में डिस्प्ले होगा, और यहां पे स्मॉल लिखा है तो लोअर केस में जो रोमन सीरीज है हमारे नंबर की वो डिस्प्ले. अंडरस्टूड. तो ये यहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्फाबेटिक का भी टाइप आप चेंज करके ओएल टैग के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हो और उसका यूज कर सकते हो. अंडरस्टूड. सी एग्जांपल वही है, सिंपल एग्जांपल है एचटीएमएल टैग, बॉडी टैग का सिंपल जो पैराग्राफ है वही पैराग्राफ है. यहां पे भी फॉन्ट कलर ब्लू, जो भी हमारा हेडिंग है वहां पे ब्लू कलर आ जाएगा. उसके बाद ओएल टैग का यूज किया है, राइट. फॉन्ट साइज मैंने दे दिए, जो भी मेरे जो भी मैं लिस्ट आउट आइटम करूंगा उसकी फॉन्ट साइज आ जाएगी. अंडरस्टूड. उसके बाद बी टैग मींस बोल्ड होगा, जो भी मेरी लिस्ट आउट है वो बोल्ड में आएगी. उसके बाद लिस्टिंग किया है दैट मींस एलाइन, और जो भी मेरी लिस्ट है वो मैंने लिस्ट कर दी है, फर्स्ट आइटम लिस्ट किया, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड. ध्यान से देखना, पता चलेगा आपको तभी, क्योंकि मैंने प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा था, उसको शॉर्ट किया, बाजू बाजू में सब कुछ मैंने मेंशन किया, तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूं. ध्यान से देखना, लिस्टिंग किया हुआ है. फर्स्ट मैंने ओएल टाइप ए, देख लीजिए ओएल टाइप ए दैट मींस कैपिटल ए से स्टार्ट होगा, ए बी सी. अंडरस्टूड. यहां पे ओएल टाइप में मेंशन कर दिया है कैपिटल ए, अगर यहां पे स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल ए से स्टार्ट होगा. अंडरस्टूड. कैपिटल लिस्टिंग ए, पहले ए आएगा, उसके बाद चॉकलेट, बी आएगा आइसक्रीम, डी सी आएगा ड्राइव. अंडरस्टूड. अभी देखिए मैंने ओएल टाइप चेंज कर दी है ओएल टाइप आई. अंडरस्टूड. यहां पे मैंने क्या किया, ब्रेक यूज किया, क्योंकि दोनों मिक्स मैशअप ना हो जाए इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया है. तो फर्स्ट ओएल टैग जो ए से स्टार्ट होने वाला है वो आ जाएगा, उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद सेकंड डिस्प्ले करेगा, राइट. यहां पे मैंने रोमन यूज किया हुआ है, ओएल टैग इज इक्वल टू डबल को के अंदर आई, राइट. तो रोमन मींस लोअर लोअर कैप्स के अंदर जो भी हमारा नंबरिंग है अल्फाबेटिक वो डिस्प्ले होगा. अंडरस्टूड. सी एल आई चॉकलेट, एल आई आइसक्रीम और एल आई ड्राई फ्रूट सेम ही है, सिर्फ मैंने टाइप चेंज की है. अंडरस्टूड. बी टैग ओवर, ओएल टैग ओवर, फॉन्ट टैग ओवर, और जो हमारा मेन ओएल टैग है वो भी ओवर मैंने कर दिया है, और उसके बाद बॉडी टैग ओवर, एचटीएमएल टैग ओवर. अंडरस्टूड. सीधा आउटपुट हुआ है, मैंने आउटपुट रखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए. फर्स्ट कैपिटल है दैट मींस ए बी सी डी, और उसके बाद मैंने रोमन यूज किया है वो भी लोअर, तो रोमन आएगा 1 2 3. अंडरस्टूड. सी पहले तो हेडिंग आ गया है यहां पे, उसके बाद कैपिटल में आएगा ए बी सी डी जो भी हमारा आउटपुट है वो, राइट. और उसके बाद स्मॉल में आएगा, राइट, आई डबल आई और ट्रिपल आई, दैट मींस 1 2 3 जो रोमन हमारे नंबरिंग है वो. अंडरस्टूड. स्टूडेंट, आपको अगर स्नैपशॉट क्लियर ना दिखाई दे तो मैं पीपीटी पीडीएफ करके भी भेज दूंगा, तो आपको उसमें आप एक बार चेक कर लेना. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज नेस्टेड लिस्ट. नेस्टेड मींस लिस्ट के अंदर अगर कोई भी लिस्ट डिस्प्ले करवाना, सब आइटम डिस्प्ले करवाना, तो आप नेस्टेड लिस्ट का यूज कर सकते हो. मोस्ट आईएमपी प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल के अंदर भी आता है. अंडरस्टूड. ओएल ऑर्डर लिस्ट और ऑनर लिस्ट का प्रोग्राम आएगा ही, पर ये 95% प्रैक्टिकल एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिकल है, और थियोरी है आपको समझना जरूरी है. आप लिस्ट जो भी हमारे लिस्ट है वो लिस्ट के अंदर सब लिस्ट भी बना सकते हो. अंडरस्टूड. सी इट्स पॉसिबल टू हैव अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ लिस्ट और नेस्टिंग लिस्ट टाइप ऑफ बोथ द लिस्ट में डिफरेंट, राइट. एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है, एमसीक्यू के अंदर भी पूछ सकते हैं वो, राइट, कि नेस्टेड लिस्ट किसको बोलते हैं. अंडरस्टूड. लिस्ट के अंदर लिस्ट दैट मींस नेस्टेड.
अंडरस्टूड। सी द एग्जांपल ओवर हियर, सिंपल प्रोग्राम में क्या किया है ध्यान से देखिए। एचटीएमएल जो भी हमारा बेसिक मैंने लिखा है फॉन्ट कलर उसको मैंने हेडिंग दे दिया है, उसके बाद मैंने यूआई टैग का यूज किया, दैट मींस अनऑर्डर लिस्ट। अंडरस्टूड, यूआई फॉन्ट साइज जो भी है फॉन्ट साइज मैंने दे दिए उसको, वो फॉन्ट साइज आ जाएगी एलआई, एलआई के अंदर चॉकलेट, राइट चॉकलेट लिखा है। उसके बाद देखिए मैंने फिर से फॉन्ट साइज का यूज किया, दैट मींस चॉकलेट के अंदर मैंने सब टॉपिक सब जो लिस्ट है वो मैंने ऐड की। यहां पे एलआई लिखा है फॉन्ट साइज 6, जो भी मेरी फॉन्ट साइज है वो आ जाएगी। उसके बाद मैंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है चॉकलेट, तो वो चॉकलेट आ जाएगा। उसके बाद फॉन्ट साइज फिर से 4 कर दिया है, तो 4 साइज आएगी जो भी मैं उसके बाद लिस्ट आउट करूंगा वो। और उसमें मैंने ओए टैग का यूज किया, ओए टैग इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर ए लिखा है, दैट मींस ए बी सी डी। अंडरस्टूड, और वो भी कौन सी है, कैप्स अपर एबीसीडी है, तो अपर केस में वो डिस्प्ले होगा। अंडरस्टूड, उसके बाद मैंने लिस्टिंग किया है डार्क चॉकलेट और फ्रूट एंड नट। अंडरस्टूड, तो वो ए में आ जाएगा डार्क चॉकलेट, बी में आ जाएगा फ्रूट एंड नट। अंडरस्टूड, और उसके बाद मैंने ओएल टैग को ओवर किया, फॉन्ट टैग को ओवर किया, उसके बाद मैंने बी टैग को ओवर किया, दैट मींस जो भी आएगा वो बोल्ड में आएगा। बी टैग को ओवर किया, उसके बाद फॉन्ट टैग को ओवर किया, जो फॉन्ट साइज है यूएल के मैंने यूएल के अंदर मैंने यूज किया है वो सिर्फ चॉकलेट के लिए, राइट। और उसके बाद जो मेरा मेन टैग है यूएल टैग उसको ओवर किया, और उसके बाद बॉडी ओवर और एचटीएमएल, राइट। प्रोग्राम नोट में लिखना है, प्रैक्टिकल भी करना है आपको। अंडरस्टूड, सी द आउटपुट ओवर हियर, सी हेडिंग आ गया, यूएल टैग लिखा हुआ था मैंने, तो वो बुलेट में जाएगा, तो बुलेट आ गई। चॉकलेट, चॉकलेट के अंदर मैंने सब रखा हुआ था सब लिस्टिंग, तो सब आ गया ए और बी, डार्क चॉकलेट और फ्रूट एंड। अंडरस्टूड स्टूडेंट, नेक्स्ट इज ओके, सो टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट ऑर्डर लिस्ट, राइट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने ऑर्डर लिस्ट कैसे डिस्प्ले करवाना है, कौन सा टैग यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट में, ओएल टैग, राइट। वो भी टैग टैग है, उसको कंपलसरी ओवर करना जरूरी है, राइट। उसके बाद हमने ओएल टैग में भी चेंज इन टैग देखा, उसको आप नंबरिंग कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट नंबर 1 है। अगर आपको चेंज करना हो, कोई भी नंबर से स्टार्ट करना हो, तो आपको वो टाइप ओएल टैग के अंदर डिस्प्ले करवानी होगी। फॉर एग्जांपल मुझे 5 से स्टार्ट करना है, 5 6 7 8, तो ओएल टैग इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर 5 लिख देगा, तो वो 5 से स्टार्ट होगा। अंडरस्टूड, डिफॉल्ट कौन सा है, 1 2 3 4 5 एक्सिक के अंदर आ सकता है। अंडरस्टूड, और उसके बाद हमने चेंजिंग टैग देखा, नंबरिंग कर सकते हैं, उसके बाद अपर केस लोअर केस, और वैसे ही रोमन में अपर और रोमन में लोअर। अंडरस्टूड, सो स्टूडेंट होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स, राइट।